कैसे हैं? बहुत अच्छे से। आज का कॉन्सेप्ट है इंग्लिश क्लास के अंदर हमारा वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। क्या है आज का टॉपिक इंग्लिश में? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल्स हमारे होते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, मैं सब में साथ में लेके चलूंगी आपको, स्वर। वोवल्स क्या होते हैं? स्वर। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? आज का जो टॉपिक है हमारा, स्वर और व्यंजन को हम हिंदी में समझ चुके हैं और आज हमें समझना है इंग्लिश में, और इसका बहुत यूज़ है, बड़ी क्लास तक आपको यूज़ आएगा। वोवल तो और कॉन्सोनेंट, इसके बिना आप लैंग्वेज इंग्लिश की सीख ही नहीं सकते। इसीलिए चाहे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, कुछ वर्क करके हम इसलिए रखते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको जो है बोरियत फील ना हो और आपको मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में मिल सके। सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश वर्णमाला, यानी द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला और इंग्लिश की वर्णमाला। ठीक है, तो उसमें हम आपको समझाने जा रहे हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। मैं लिख रही हूँ, द इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश वर्णमाला, हैज टू काइंड्स of letters। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं कि इंग्लिश वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। नंबर एक आपका, नंबर टू, ऐसे ऊपर लिखा हुआ है लेकिन मैं हाइलाइटिंग की वजह से चेंज कर रही हूँ कलर। वॉवल्स यानी स्वर, ठीक है, और कॉन्सोनेंट। यानी व्यंजन। मेरे ख्याल से हमारी जितनी भी वीडियोस रही हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट शुरू से मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये आधार है, इसके बिना संभव नहीं है आपको ये समझना कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का क्या यूज़ होता है। जो हमारे वॉवल्स होते हैं वो कितने हैं इंग्लिश के अंदर? कितने हैं बताइए? फाइव। कितने हैं? फाइव। कितने हैं? सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, ए ई आई ओ यू। समझ में आ गया? हमारे जो वॉवल्स हैं वो कितने हैं गए? फाइव, ए ई आई ओ यू। ये हमारा एक वॉवल ट्री आपके सामने आ गया, और ये ट्री वो है, ये आधार है। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट व्यंजन तो हम आज बात कर रहे हैं जैसे अभी, और स्वर और व्यंजन की। तो हम ही आपको एक चीज़ बता दें जो एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि वॉवल्स में डिफरेंस क्या है, कि हमारे दांत, जीभ और होठ आपस में बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, और जब हम वॉवल्स बोलते हैं तो हम जो भी वोवल बोलेंगे, ध्यान से बोल के देखें कि हमारे जो हम जब वोवल बोलते हैं तो एक भी लिटरली वोवल पांचों में से ऐसा नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं तो वो हमारे दांत और हमारे टंग और लिप्स। ठीक है,
टच, while speaking A I O U, A E I O U, मैंने बोला, आप भी बोल के देखो, ना तो हमारे उसमें दांत आपस में टकराते हैं, ना ही जीभ और ना ही होंठ, समझ में आ गया? Our teeth, tongue and lips do not touch each other while speaking vowels. और इसमें एक second note ये आता है कि जब भी हम vowel sounds को बोलते हैं तो ऐसी आवाज़ें आपने ध्यान से देखी होंगी, उन्हें किसी की मतलब ज़रूरत नहीं होती, हम पहले भी बता चुके हैं, ये अकेले ही बोले जाते हैं vowels, ठीक है? ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखने वाली बात ये है कि वॉवल्स कॉन्सेप्ट देखो, वॉवल्स आर साउंड्स that can be spoken alone माने तो अकेला, ठीक है, समझ में आया? alone माने अकेला, अकेले ही ये बोले जाते हैं, इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से कौन कौन जिसका हम फिर इसको एक चीज़ और लिख देते हैं, वोवल्स हैव देयर ओन साउंड, वोवल्स हैव देयर ऑन, ओ डब्ल्यू एन ऑन यानी खुद की आवाज, निजी, ऑन साउंड, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है? अब आप देख लीजिए स्वर और व्यंजन के अंदर आपको किस तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट। अब आगे इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, ए ई आई ओ यू के, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये आ गया आपका ए का है, M A T mat, B A T bats, F A T fat, F A N fan, R A T rat, pan, hen, ये E का है, tan, bad, net, I, pit, bin, bean, tin, nib, pin, god, box, hot, dog, log, ठीक, आगे है mug, jug, rug, sun, bun, ये हमारे एग्जाम्पल आपके कौन से हुए, बॉबल्स की। अच्छा, हमने पहले ही बताया था इन पांचों को छोड़ के बाकी जो बचते हैं वो आपके होते हैं, क्या होते हैं आपके, कॉन्सोनेंट्स, ए ई आई ओ यू निकाल दो तो उसमें से फिर आपके कॉन्सोनेंट बच जाते हैं। हमने आपके लिए एक्सरसाइज भी तैयार करी है इसके लिए, ध्यान से देखें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग बॉबल्स, आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनमें आपको फिल करने हैं कि किसमें कौन सा वॉवल आएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा, आप सारे करें, और अगर आपको कोई ना समझ में आए तो हमारे आप वेबसाइट पर जाकर कमेंट बॉक्स में हमें आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपकी क्वेरीज है पूछ सकते हैं, ठीक है? और आगे आपकी दूसरी एक्सरसाइज है, ध्यान से देखें, ये ज़रूर करें, और पेरेंट्स से अनुरोध है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए साथ में इन बच्चों के साथ बैठें और कराएं। सर्किल द वॉवल्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कि जो आपको वॉवल नज़र आ रहा है उसको आपको सर्किल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बता देती हूँ,
बॉक्स, राइट। ठीक है, वॉवल है हमारा ए, बाकी आप खुद करिएगा। ठीक, इसी तरीके से इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे जे यू जी जग, ओके, एम ओ एन के ई वाई मॉन्की, क्लियर। इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज वॉवल्स और ये करना है, और आपको ये मुझे उम्मीद है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। और जो मैं कॉन्सोनेंट इसमें इसलिए नहीं लिख रही हूँ, बिल्कुल क्लियर आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे जो टोटल लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26, ओके, उसमें से हमने -5 कर दिए, क्या, वॉवल्स, तो हमारे जो कॉन्सोनेंट बचते हैं वो 21 बचते हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल, सिर्फ हमें पूरे 26 लेटर में से ए ई आई ओ यू हटा देना है, टोटल लेटर हैं हमारे 26 और वॉवल्स हमारे 5 हैं, कॉन्सोनेंट हमारे 21 है। पहले भी हम क्लियर करा चुके हैं, इसलिए बार बार कॉन्सोनेंट और वो मैं आपको नहीं लिख रही हूँ। मेन फोकस था आपको कैसे वॉवल साउंड को आप यूज़ करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और सब्सक्राइब इसलिए भी करें ताकि मैं आपको आगे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देती रहूँ। धन्यवाद।